हेलो दोस्तों, मैं निलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे। आज मैं आप लोगों को कुछ बायोलॉजिकल न्यू टर्म बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, जिनको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि होता है कई किस तरीके से किसी भी जीव, प्लांट या एनिमल, किसी का किस तरीके से क्या नाम है और उसकी जो है रैंक क्या है, टेक्सोनॉमिक रैंक क्या है, इस तरीके से दोनों चीज जानने के लिए हमको कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स जो बनाए गए हैं उसके लिए संस्थाएं जो हैं, आपकी चार पांच संस्थाएं हैं वो आप लोग देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है आईसीबीएन, इसमें होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो बॉटनी में जितने भी प्लांट हैं, आपको किस फाइलम में और उसके सफिक्स क्या रहेगा, ये सब जो है ये इंटरनेशनल बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर संस्था होती है, ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से क्या रखा जाएगा, इसकी रैंकिंग क्या रहेगी और सफिक्स क्या रहेगा, इसमें कितने जेनरा आएंगे या किस फाइलम में रखा जाएगा। इसमें जो है प्लांट वगैरह जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से रखा जाएगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि जंतु जितने भी हैं उनकी रैंकिंग, टेक्सोनॉमिक रैंकिंग जो होगी वो क्या होगी, किस फाइलम में होंगे, किस क्लास में होंगे, किस फैमिली में होंगे, उनको कहाँ रखा जाएगा, तो वो जो रूल्स हैं वो आपके इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल आईसीजेडएन डिसाइड करेगा। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जितने भी बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया क्या रहेगा या बैक्टीरिया किस तरीके से क्या वर्क करता है शरीर में, उसके लक्षण क्या है, इस तरीके से उसका जो नॉमेनक्लेचर रखा जाएगा। कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि विब्रियो, काफी बैक्टीरिया होते हैं, तो इस तरीके जो भी है उनका जो नॉमन क्लेचर होगा वो आपके ये आईसीबीएन तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमन क्लेचर के हिसाब से रखा जाएगा। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमन क्लेचर अंतरराष्ट्रीय है, सब अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ वायरल नॉमन क्लेचर, जो वायरस वगैरह है, आपके टीएमबी वायरस हो गया, एचआरवी वायरस हो गया, पॉक्स वायरस हो गया, ये सब जो वायरस हैं इनका नाम, इसकी संरचना, इनके लक्षण कैसे क्या होते हैं, ये जो है तो पूरा डिसाइड कौन करता है, ये जो है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेशन प्लांट, जो खेती वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि गोभी और इस तरीके से आलू, ये सब कल्टीवेशन जितने भी प्लांट हैं, तो उस तरीके से जो आपके कल्टीवेशन प्लांट हैं जैसे आलू वगैरह कल्टीवेट जो किए जाते हैं, उगाए जाते हैं, फसल हो गई, गेहूँ दाने, सब जो कल्टीवेशन वाले होते हैं वो जो संस्था इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेशन प्लांट, ये कल्टीवेट जो किए जाते हैं, तो ये नॉर्मली पेपर में आपसे इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बाकी इनके बारे में तो खैर ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इनका फुल फॉर्म जो है वो कभी कोई दे देता है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, आईसीबी मतलब है, और यही चार पांच है नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म है इनका, ये फुल फॉर्म है। सेम इसी तरीके से अब अच्छा जो टैक्सोनॉमी है इसको हम कैसे क्या रखेंगे, मतलब फाइलम किंगडम इस तरीके से जो है इनका सीरियल जो है इनका रैंक क्या रहेगा, तो रैंक हम आप लोगों को एक नॉर्मली जो होता है वैसे, तो एक हम आपको ट्रिक आज बता रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, दोबारा कभी आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ में। तो जैसे कि आप कभी कभी आप देखे होंगे केबीसी जो होता है अमिताभ बच्चन वाला केबीसी, तो उसी को हम आज इसमें करते हैं अपने, तो आप लिखिए के बी सी ऑफ
केबीसी ऑफ जीएस। तो केबीसी काहे का होता है, जीएस का केबीसी खिलाते वहां पे हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखिए, केबीसी ऑफ जीएस, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आपसे कैसे। तो के फॉर होता है आपका किंगडम, के फॉर किंगडम हो गया, सॉरी केबीसी नहीं होता है, केपीसी होता है, क्योंकि केबीसी वो होता है आप बायोलॉजी में है इसलिए भी हटा देंगे हम, यहां पे रखेंगे आपको केपीसी, केपीसी ऑफ जीएस। तो कैसे हो गए, ये आपकी ट्रिक है किस तरीके से रैंकिंग हम याद रखेंगे, रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। के फॉर किंगडम हो गया, पी फॉर फाइलम हो गया, सी फॉर क्लास हो गया, ओ फॉर ऑर्डर हो गया, ये इतना, और एफ फॉर हो गया आपका फैमिली। जी फॉर हो गया जीनस, एस फॉर स्पीसीज। तो आप लोग देखिए के पी सी ऑफ जीएस होता क्या है, के बी सी ऑफ जीएस, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है के बी सी, क्या करना है, पढ़ना है के पी सी ऑफ जीएस। के बी सी जीएस, के बी सी में क्या कहलाते हैं, जीएस के नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, तो के बी सी आप जीएस ना करके सिर्फ ये जो है बी की जगह पे आप पी कर लीजिए, तो के पी सी आप जीएस हो गया। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीसीज। तो यही रहेगा इसका जो है रैंकिंग, टैक्सोनॉमिक रैंकिंग यही रहेगी, के पी सी ऑफ जीएस। देख लीजिए और इसमें अच्छा क्या है इसमें, कि हम लोग जब किंगडम का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे क्या सफिक्स क्या लगाते हैं, और इसके बाद में फाइलम लिखेंगे तो सफिक्स क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद में क्लास के पीछे सफिक्स, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के पीछे क्या लगाया जाता है, फैमिली में क्या लगाया जाता है, और जीनस स्पीसीज इसमें कौन कौन से सफिक्स लगते हैं। देख लीजिए आप लोग, जैसे इसमें वो ये दिया है रैंकिंग आपकी, ये है फाइव डिवीजन या फाइलम, डिवीजन फाइलम में आपका कोई भी होता है, डिवीजन डिवीजन में आपको जब किस डिवीजन का है आप कैसे पता करेंगे कि ये किस डिवीजन का है, तो प्लांट या और एल्गी इसमें दोनों में आपका आ जाएगा फाइटा लगा होगा। आप कोई भी किंगडम सॉरी डिवीजन या फाइलम का नाम लिखिए तो उसके पीछे फाइटा होगा, और फंजाई का, फंजाई का जो नाम होगा उसके पीछे माइकोटा होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे आपका लिखा भी है क्या, ये डिवीजन आपको फाइलम या डिवीजन, इसमें देखिए क्या है, ये फाइटा लिखा, इसमें क्या है डिवीजन में क्या है सफिक्स क्या है फाइटा लिखा है, फंजाई में आपको सेम ऐसे माइकोटा आएगा, और इसमें जो सब डिवीजन होगा, सब डिवीजन, सब डिवीजन आपको फाइटना आ जाएगा, सब डिवीजन फाइटना ऐसे जो फंजाई का होगा सब डिवीजन उसमें आपको आ जाएगा माइकोटिना आ जाएगा, चेक करिए आप इसको फाइटना। ये पी के सब है, ये पी का है आपका, पी का डिवीजन है मैंगलो फाइटा, और ये मैंगनोली फाइटना है, ये आपका है सब डिवीजन। क्लास में ऑप्सिडा लगाएंगे, ये इसमें फिर अलग अलग हो जाते हैं, प्लांट में क्या लगेगा, इसमें दोनों रहेंगे, प्लांट एल की दोनों में जो है डिवीजन और सब डिवीजन दोनों सेम रहते हैं, इसमें फाइटा आएगा इसमें फाइटना आएगा, फंजाई में माइकोटा आ जाएगा और फंजाई का जो है सब डिवीजन माइकोटना हो जाएगा। क्लास रहेगा आपका ऑप्सिडा और फाइएसी, और इसी तरीके से फंजाई का जो है क्लास जो रहेगा उसके सफिक्स में माइसिटीज आ जाएगा, जो आपकी क्लास रहेगी, क्लास
क्लास में आपका ऑक्सीडा जाएगा, जैसे इसमें दिया है मैग्नोलिपसिडा आ जाएगा, और इसमें एलगी में आपको आ जाएगा फाइव सीज आ जाएगा, सब क्लास ईडिया आ जाएगा और फाइव सी डी आ जाएगा फाइव सी डी, या फिर इसमें फंजाई आपका माइसीडिया आएगा माइसीडी आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो एलगी है इसमें आपका सब ऑर्डर क्या होगा, एनी होगा एल्स होगा, ऑर्डर नॉर्मली ऑर्डर आप कोई भी लेंगे तो उसमें जो सफिक्स आएगा पीछे जो लगा होता है एल्स होता है, सब ऑर्डर में एनी होता है, और इंफ्रा ऑर्डर में एरिया होता है, सुपर फैमिली जो होती है एसी होती है, फैमिली ए फैमिली में ई एसी होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कोई भी फैमिली पढ़ते हैं तो उसके पीछे ये एसी लगा होता है, और इसी तरीके से जो है सब फैमिली एनिमिलिया में ओईडी आ जाएगा, और ओईडी इसमें ईडी आ जाएगा, सब फैमिली और डीए आ जाएगा, इसमें एनी आ जाएगा। ये दो पूछे नहीं जाते हैं, ये बहुत ही रियल केस में मतलब आपको मिल जाएंगे, ट्राइब और सब ट्राइब में इनी और इनी और एनी और इसमें इना आ जाएगा, ये इतने होते हैं। अब आप इसमें आप एक बार चेक कर इसमें पूरा देख लीजिए रैंकिंग करके, इसका डोमेन है यू कैरा है ह्यूमन का, और ये मटर है, ये मटर है, तो इसका यू कैरा इसका सेम रहेगा, किंगडम एनिमेलिया ये आपका प्लांटी हो जाएगा, फाइलम और या फिर डिवीजन कार्डेटा आ जाएगा, और इसमें मैग्नो मैग्नोली फाइटा आ जाएगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और ये फिर आप इधर आ जाएगा मैग्नोली फाइटना आ जाएगा, इसका क्या है सब फाइलम है, सब डिवीजन हो जाएगा मैमेलिया एक इस, और पी का सब डिवीजन हो जाएगा मैग्नो मैग्नोली मैग्नोलिपसिडा हो जाएगा, इसका जो है क्लास ये जो है सब क्लास प्लेसेंटेलिया हो जाएगा, इसमें मैग्नोलिडी हो जाएगा, और आपका ऑर्डर प्राइमेट्स हो जाएगा, और इसमें हमने आपको बताया था एल्स लगा होता है, ये आपका फेबेल्स हो गया, फैमिली आपकी हो गई होमेनियडी, और इसमें फेबेसी हो जाएगी, फैमिली भी बताया गया था, फिर एसी लगा होता लास्ट में है, ये आपका रहा एसी, तो इसमें आ जाएगा होमेनियडी और उसमें आ जाएगा फेबेसी आ जाएगा, सब फैमिली फेबेसी, और फिर उसके बाद में जीनस होमेनियस और इसमें फेबेडी हो जाएगा, और इसका जीनस जो हो जाएगा होमो हो जाएगा, स्पीसीज सेपियंस हो जाएगा, और इसी तरीके से पी का जो है जीनस है पाइसम है, और इसका जो स्पीसीज है ये सटाइवम है, तो होमो सेपियंस मनुष्य, और या फिर इसको पी को हम नॉर्मली पाइसम सटाइवम बोलते हैं, तो इस तरीके से यही रैंकिंग वगैरह इसकी जो है इस तरीके से रहती है। इसमें ये कहीं आपको जैसे कि जानना है कि ये किस फैमिली का है तो आप सफिक्स वगैरह देख लिए तो तुरंत तो पता चल जाता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर कौन से डिवीजन क्लास जो भी है किस डिवीजन फाइलम इन फैमिली और ऑर्डर इससे बिलोंग करता है इसमें है, तो आपको सफिक्स देखते ही पता चल जाएगा ये इसमें आता है। रैंकिंग सेम यही रहेगी आपको। अच्छा इसमें जो है केपीसी ऑफ जीएस दिया है, तो इसमें आप अगर चाहते हैं जैसे आपका फाइलम दिया है तो फाइलम और उसके बाद ही आएगा ना सब फाइलम, फिर क्लास आ जाएगा तो सब क्लास आ जाएगा, इसके बाद में ऑर्डर या फिर फैमिली आ जाएगी, फैमिली के फैमिली और अगर सब फैमिली लिखना है आपको तो फैमिली और जीनस के बीच में सब फैमिली आ जाएगी, और जीनस स्पीशीज है तो या फिर सब अगर सुपर लिखना है तो पहले सुपर आता है, तो आप जैसे क्लास लिखना है सब क्लास की तरह आएगा, सब क्लास आपका आ जाएगा ऑर्डर और क्लास के बीच में, अगर सुपर क्लास लिखना है तो फाइलम और क्लास के बीच में इधर आ जाएगा, ये वाला सुपर ये इधर हो गया पहले और ये सब आपका बाद में हो गया, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये सब, आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट देख रख सकते हैं, उसके बाद आप जब भी देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। अब ये जो ट्रिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये
बात करेंगे, रैंकिंग क्या रहती है, कभी कभी दे देता है रैंकिंग में लगाना कि मतलब किंगडम फाइलम इस तरीके से कुछ दे देगा, उसके बाद में पूछेगा आपको या उल्टा दे दे पूछेगा कि मतलब सब। और हाँ, स्पीसीज जो होती है, यूनिट जो होती है, सबसे निचली यूनिट होती है स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है, इस जॉनरे ने दिया था इसका स्पीसीज सब क्लासिफिकेशन जो यूनिट होती है वो स्पीसीज होती है। इस तरीके से ये सबसे छोटी यूनिट भी होती है, कभी असेंडिंग में दे देगा या आपको कभी डिसेंडिंग में दे देगा बढ़ते, या फिर मतलब इस तरीके से किंगडम फाइलम और क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, या फिर बोल देगा कि इसको उल्टा क्रम में लगाओ तो स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम फिर किंगडम हो जाएगा आपको। अब जैसे इसमें कि सब या सुपर लगाना है आपको, तो सुपर किधर आएगा, सुपर आपका इधर आ जाएगा और सब आपका उधर पहुंच जाएगा। फाइलम है तो सुपर फाइलम आपका यहाँ पे सुपर फाइलम हो जाएगा, अगर सब क्लास हो सब फाइलम हो जाएगा वो आपका इधर हो जाएगा। तो यही जो है इसका रैंकिंग जो रहती है ये यही रहती है। तो ठीक है, आप लोग बहुत मतलब ये जो है ठीक जरूर याद रखिएगा, इसे जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो अगर पूछ ले गए कभी ट्रिक, और ये अगर ये भी अगर आप याद कर रहे हैं तो इसको देखते ही आप बता देंगे कि ये फैमिली है या फिर या ऑर्डर है या फिर क्लास है जो भी है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये इस फैमिली का सदस्य है। और ये सब याद रखिए, अगर आप लोग ट्रिक वगैरह अलग से नोट कर लीजिएगा और एक दो बार इसको रिवाइज करिएगा तुरंत याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, और शायद आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा और इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो शायद कल आ जाएगा, और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चलिए ठीक है फिर।